हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शनिश्चरी अमावस्या के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का खास महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने का महत्व होता है। इस साल भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 27 अगस्त शनिवार को पड़ने के कारण शनि अमावस्या होगी। भाद्रपद अमावस्या को भादो, पिठोरी, कुछ ग्रही अमावस्या भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि साल 2022 में भाद्रपद महीने की शनि अमावस्या की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शनि अमावस्या से जुड़े कुछ खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है, और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल भाद्रपद महीने में शनिश्चरी अमावस्या का शुभ संयोग 27 अगस्त को बनेगा और ऐसा संयोग 14 साल बाद बना है। यह संयोग इस वजह से भी विशेष है क्योंकि इस दिन शनि अपनी ही राशि मकर में रहेंगे। अब 2 वर्ष बाद ऐसा संयोग आया है कि भाद्रपद माह में शनि अमावस्या होगी। वैसे तो हर माह की अमावस्या तिथि विशेष होती है क्योंकि इस दिन स्नान, दान और व्रत पूजा पाठ किया जाता है, और इस बार भाद्रपद अमावस्या अत्यंत ही शुभ है। शनिवार की अमावस्या को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या पर तीर्थों में स्नान और पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। यानी कि तीर्थों में स्नान करने का और नदियों में स्नान करने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं। शनि अमावस्या पर दान करने से कई यज्ञों के करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, शनि अमावस्या पर पूजा पाठ और व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रह दोष शांत होते हैं। जब शनिवार के दिन कोई भी अमावस्या होती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या या शनि अमावस्या कहते हैं। 27 अगस्त की शनिश्चरी अमावस्या इस साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या है। शनिवार को अमावस्या का शुभ संयोग कम ही बनता है। 14 साल पहले ऐसा संयोग 30 अगस्त को बना था, 30 अगस्त 2008 को बना था, तब भी भाद्रपद में शनिश्चरी अमावस्या थी। अब 2 साल बाद यानी कि 23 अगस्त 2025 को भाद्रपद महीने में शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बनेगा। आइए अब जानते हैं शनि अमावस्या की तिथि। दोस्तों, भाद्रपद की शनिश्चरी अमावस्या तिथि 26 अगस्त शुक्रवार को दिन में 11:20 से शुरू होगी और यह तिथि 27 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। 27 अगस्त को भाद्रपद अमावस्या के दिन प्रातः तीर्थों और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। स्कंद पुराण में अमावस्या तिथि को एक पर्व कहा गया है, इसलिए इस दिन स्नान करके आप हर प्रकार के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये शनिश्चरी अमावस्या इस वजह से विशेष है क्योंकि शनि अपनी ही राशि मकर में विद्यमान है। शनिश्चरी अमावस्या शुभ फल प्रदान करने वाली होती है और अमावस्या तिथि जो शनिश्चरी अमावस्या तिथि है वो न्याय के देवता शनि देव की जन्म तिथि भी है। आइए अब जानते हैं शनि अमावस्या के दिन बनने वाले शुभ योग। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 26 अगस्त दोपहर 12:23 से शुरू होगी और 27 अगस्त शनिवार की दोपहर 1:46 तक रहेगी, क्योंकि अमावस्या तिथि का सूर्योदय
27 अगस्त को होगा, इसलिए इसी दिन अमावस्या तिथि मानी जाएगी। साथ ही अमावस्या से जुड़े उपाय, स्नान दान, पूजा पाठ इसी दिन किए जाएंगे। ज्योतिष की माने तो इस दिन पद्म और शिव नाम के दो बड़े शुभ योग भी रहेंगे, जिससे यह तिथि बहुत ही खास होगी। आइए अब जानते हैं भाद्रपद की शनिश्चरी अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं, और क्योंकि इस तिथि पर कुशा नाम की एक घास को एकत्रित करने की परंपरा है, जिसका उपयोग पूजा में किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, और इसके बाद आप पूजा पाठ और व्रत का संकल्प लें, और शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव की पूजा अर्चना जरूर करें। शनि देव को अक्षत, काला तिल, नीले फूल और सरसों का तेल, शमी के पत्ते, ये चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, और तिल के तेल का दीपक जलाकर शनि देव की आरती जरूर करें। ये अब जानते हैं दोस्तों कि शनि पूजा के नियम। दोस्तों, शनि देव को कर्म फल का दाता माना गया है। ये सभी नवग्रहों में सबसे पावरफुल माने गए हैं, सबसे शक्तिशाली माने गए हैं। कहा जाता है कि शनि देव जातक के कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि देव की पूजा के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन उनकी पूजा में सबको अवश्य करना चाहिए, तभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि शनि पूजा से जुड़े नियम कौन से हैं। दोस्तों, शनि अमावस्या के दिन अन्य दिनों की जाने वाली शनि पूजा के दौरान कभी भी शनि देव को लाल पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि उनकी पूजा में नीले रंग के पुष्प का प्रयोग करना शुभ होता है। माना जाता है कि शनि देव की प्रतिमा के दर्शन करते समय ना तो सीधे दर्शन करने चाहिए और ना ही उनकी आँखों में देखना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि का पड़ना शुभ नहीं माना जाता है। शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, ऐसे में किसी अन्य दिशा की बजाय उनकी पूजा पश्चिम दिशा में करना श्रेष्ठ रहेगा। शनि देव की पूजा के समय उन्हें भोग में काले तिल और काली उड़द से बनी खिचड़ी का भोग लगाना शुभ होता है, और ऐसा करने से शनि देव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और शनि दोष दूर होते हैं। शनि देव की पूजा के दौरान स्वच्छता का, शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन यानी कि शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर आप स्नान दान के साथ साथ शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों को करने से साढ़े साती, ढैया और शनि दोष से राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं कि शनिश्चरी अमावस्या की तिथि पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आप शनि देव की आराधना करें, उनका सरसों के तेल से अभिषेक करें, उनको काला तिल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। ऐसा करने से वे प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट दूर करेंगे। यदि आप साढ़े साती, ढैया और शनि दोष से पीड़ित हैं तो शनि अमावस्या को पूजा के समय शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। इसकी रचना अयोध्या के राजा दशरथ ने किया था। इस पाठ के करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके चालीसा लिखे गए हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान के बाद आप शनि मंदिर में जाकर शनि देव के दर्शन करें, पूजा करें और वहां शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा से दुख दूर होंगे। शनिश्चरी अमावस्या को शनि मंदिर में पूजा करके गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को काली उड़द, लोहा, स्टील के बर्तन और शनि चालीसा और काले तिल, इन चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, और अगर आपके ऊपर साढ़े साती, ढैया है तो
साढ़े साती और ढैया के कष्ट भी दूर होते हैं। शनि अमावस्या को शनिदेव की पूजा के बाद काले कौवे को भोजन दें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि से जुड़े कष्ट कम होते हैं। शनि अमावस्या को पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे लाभ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।